अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वन सेकंड टू यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने देख भी लिया होगा उसका सॉरी जेके बोपी का जो यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने जा रही है फॉर डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्स लाइक JNM, ANM, MRT, पैरामेडिकल डिप्लोमा एंड डिफार्मेसी कोर्सेज के लिए जो 12th बेस्ड यहाँ पे इनका सिलेक्शन होती है, 12th बेस्ड मेरिट पे 12th के मार्क्स पे आपकी सिलेक्शन होती है इन कोर्सेज में। मे बी आगे नेक्स्ट ईयर से एग्जाम हो, लेकिन इस बार भी यहाँ पे 12th बेस्ड के मार्क्स पे यहाँ पे जो इनकी जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, यहाँ पे जो काउंसलिंग फी है वो क्या रहेगी और कौन से रैंक के स्टूडेंट को कौन से यहाँ पे दिन पे यहाँ पे आपसे स्टार्ट होने जा रही है काउंसलिंग, आपको किस डे पे काउंसलिंग के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगी, फी क्या रहेगी, काउंसलिंग फी एक्स्ट्रा, वो सब सारा कुछ हम आपको यहाँ पे बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे जो है फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से, ठीक है, फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना होगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए थर्सडे यानी कि कल से आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा। जिस स्टूडेंट की रैंक यहाँ पे सबसे पहले हम रैंक की ही देखेंगे, किस रैंक के स्टूडेंट को किस दिन जाना होगा, उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसके बाद बाकी सारा फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे थर्सडे को यहाँ पे यानी कि कल रैंक 1 से लेकर रैंक 6600 तक यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स उनको कल जाना है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है सिक्स ऑफ अक्टूबर को यहाँ पे रैंक 601 से लेकर 1100 तक जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको जाना है। उसके बाद नंबर थर्ड पे थर्ड डे ऑफ फिजिकल काउंसलिंग पे यहाँ पे 7th ऑफ अक्टूबर सैटरडे जो आती है उस दिन यहाँ पे जो है रैंक 1100 से लेकर रैंक 1700 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाना है काउंसलिंग के लिए। फिर संडे को यहाँ पे संडे को भी कंटिन्यू रहेगी काउंसलिंग, ठीक है। 8th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पे 1701 से लेकर जिसकी रैंक 2400 तक आ रही है उसको जाना है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ डे ऑफ काउंसलिंग पे 11th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, 9 और 10 यहाँ पे ऑफ रहेगा और 11 पे फिर आपको जाना है, ठीक है। 11th ऑफ अक्टूबर 2023 पे आपको जिसकी रैंक 2400 से लेकर 2401 से लेकर 3100 तक होगी उसको जाना है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद नंबर सिक्स डे ऑफ फिजिकल काउंसलिंग पे यानी कि 12th ऑफ अक्टूबर पे आपको जो स्टूडेंट को यहाँ पे 3101 से लेकर 3900 तक यहाँ पे रैंक आ रही है वो जा सकता है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे 13th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पे यानी कि फ्राइडे जो आ रही है उस दिन यहाँ पे जो स्टूडेंट जिसकी रैंक 3901 से लेकर 4400 तक आ रही है वो जा सकता है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है 14th ऑफ अक्टूबर 2023 पे जो जिस स्टूडेंट की रैंक 4401 से लेकर 5300 तक आ रही है वो जा सकता है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद 16th ऑफ अक्टूबर 2023 पे वो स्टूडेंट जा सकता है काउंसलिंग के लिए जिसकी रैंक 5301 से लेकर 6200 तक आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए 17th ऑफ अक्टूबर पे जिस स्टूडेंट की रैंक 6201 से लेकर 7100 तक आ रही है वो जा सकता है काउंसलिंग के लिए। 18th ऑफ अक्टूबर पे वो स्टूडेंट जा सकते हैं जिनकी रैंक 7101 से लेकर 8000 तक आ रही है। उसके बाद 12th ऑफ अक्टूबर पे वो स्टूडेंट जा सकते हैं जिनकी रैंक 8001 से लेकर 8900 तक आ रही है। उसके बाद 20th ऑफ अक्टूबर पे वो स्टूडेंट जा सकते हैं जिनकी रैंक 8901 से लेकर 9400 तक आ रही है। उसके बाद 21 अक्टूबर 2023 पे वो स्टूडेंट जा सकते हैं जिनकी रैंक 9401 से लेकर 1200 तक आ रही है। उसके बाद 22nd ऑफ अक्टूबर 2023 को यहाँ पे वो स्टूडेंट जा सकते हैं जिनकी रैंक 10201 से लेकर 11032 यहाँ पे जो है आ रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 13000 के आसपास इसकी सीट्स है, ठीक है। इसका सेकंड राउंड भी ऑलरेडी होगा, आप यहाँ पे वेट कीजिए अगर आप इस जो है इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको नहीं बुलाया गया, ठीक है। आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और कहाँ जाना है काउंसलिंग के लिए, कब जाना है, ठीक है। मैंने तो बता दिया किस डेट पे जाना है, आप कहाँ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बोपी ऑफिस जाना होगा जो जम्मू या श्रीनगर, जम्मू में भी बोपी ऑफिस है, श्रीनगर में भी बोपी ऑफिस है। अगर आप जम्मू प्रोविंस से बिलोंग करते हैं तो जम्मू, अगर आपको नज़दीक पड़ता है तो जम्मू जाइए, जो बोपी ऑफिस है आपको मैप से निकल जाएगा, ऑनलाइन मैप से देख लीजिएगा। और श्रीनगर का जो है बागात श्रीनगर में इसका बोपी ऑफिस है, वहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ पे 8:30 सुबह के 8:30 AM आपको पहुँचना होगा, 8:30 से लेकर 10 AM तक वहाँ पर आपको जो है अटेंडेंस करनी होगी, फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी, ठीक है। जिस डेट पे आपकी काउंसलिंग है उसी डेट पे द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग अलॉन्ग दियर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको साथ ले जानी है, ओरिजिनल इशू पे द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और आपको 12th का मार्क्स कार्ड ले जाना है, हो सके तो 10th का मार्क्स कार्ड भी ले जाना और डीओबी सर्टिफिकेट भी आप साथ ले जाना और आधार कार्ड भी साथ ले जाना, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है। एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डीओबी सर्टिफिकेट, 12th और 10th का मार्क्स कार्ड और आधार कार्ड, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। बाकी सारे अगर आप ना भी लो बाकी सारे चलेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ लीजिएगा और इनके फोटो कॉपीज़ भी साथ लीजिएगा। और रही बात फी स्ट्रक्चर की, फी स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा, ठीक है। फी स्ट्रक्चर मतलब काउंसलिंग फी की बात कर रहा हूँ, फी काउंसलिंग फी मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई काउंसलिंग फी आपको नहीं भरना, जैसे यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए या फार्मेसी के लिए आपको 1000 रुपये काउंसलिंग फी भरना पड़ता था, इसमें कोई काउंसलिंग फी आपको नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। खाली आपको यहाँ पे जब एडमिशन करना होगा उसी टाइम आपके जो है जो कॉलेज अलॉट होगा उसी में आपको फी ईयरली फी भरना होगा, बाकी इसमें फी स्ट्रक्चर नहीं देना आपको, ठीक है। और जो स्टूडेंट यहाँ पे 12th का मार्क्स कार्ड जिन्होंने यहाँ पे जो फेल होके अपलोड करने में उनकी जो कैंडिडेचर कैंसिल किया जाता है वो एनेक्सर बी में नीचे उनका नाम दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ, इसका जो फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर, वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर रखा है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर मैं फिर से अवेलेबल करा दूंगा। और इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है, वो मैं आपको फिर से अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिएगा। और अगर और कोई डाउट होगा जो हम भूल गए हैं इस रिलेटेड तो आप बता दीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट अपना। ठीक है, तो 98 पे रैंक 1 मिली है एक स्टूडेंट की। ठीक है, और उसके बाद 97.60% 12th की परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे रैंक कैसे पता चली, तो नीचे ये मेरिट लिस्ट जो है मैं अवेलेबल करा दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पे आपको लास्ट में इसकी रैंक मिल जाएगी। आप इसी अपने रैंक के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको कब जाना है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे रैंक साइड में दी हुई है आपके नाम, आप ऊपर सर्च बॉक्स में अपना नाम दीजिएगा, फिर नीचे रैंक चेक कीजिएगा कि आपकी कौन सी रैंक है। यहाँ पे आप अपना जो है नेम चेक कर सकते हो, ये डाउनलोड करके यहाँ पे अपना नेम डाल के, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डाल के फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपनी रैंक। और कोई डाउट रह चुका होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।